और अगर ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करे और आपको एक इंडियन हिस्ट्री का एक हिस्सा दिखाए जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बाद वो पूरी चेंज हो गई आप कहो तो असैसिनेशन के बाद या, या तमिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूरी चेंज हो गई आई थिंक इट्स इट्स अ प्लस फॉर देंस ऑडियंस को एक uh, बढ़ावा मिलेगा एक यू नो देखिए ये पहली English फिल्म है उस जॉनर में जिस तरह से मैंने फिल्म बनाया मेरा पहला फिल्म था कश्मीर के ऊपर मेरी फर्स्ट फिल्म अब वो भी एक इतने ही सेंसिटिव इशू पे था वॉट कश्मीरी एक यूथ जो है वो क्या सोचता है uh, उस फिल्म का नाम था यहाँ और उसमें एक लड़की को कश्मीरी लड़की को एक आर्मी के साथ प्यार हो जाता है विच इज़ अनबिलीवेबल और थिंकेबल इन द वैली मेरी दूसरी फिल्म जो है विकी डोनर वो भी इतने ही सेंसिटिव सब्जेक्ट में बनी है स्पर्म डोनेशन uh, में सो so, इस इस सब्जेक्ट को अगर आप बोलेंगे कि इज इट इज इट किस किस रियलिटी में किस किस जगह से बेस्ड है जैसे मैंने कहा कि आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बहुत रिजम्बलेंस आपको मिलेंगे जहां से हमने इंस्पायर किया है बट हमारे कंट्री में हम अभी भी हम लोग ऐसा नहीं अभी तक उस लेवल पे डेमोक्रेटिक नहीं हुआ है जहां हम लोग खुल के एक आ, एक फिल्म आप जिसको बोलते हैं कि बेस्ड बनाए या किसी बायोपिक पे करें बायोपिक नहीं है जी नहीं एबसुलूटली नहीं इट इज नॉट अ बायोपिक ऑन एनी बडीज लाइफ नो इट इज एन इंसिडेंट जिसके अगेंस्ट हमने एक फिक्शन तैयार किया है अब जैसे आपका जो किरदार है और स्टोरी ज्यादातर मेरे किरदार के ऊपर है मैं उसी पर था आपका जो किरदार

आसपास जितने सारे कहानियां हैं उसको मिलाकर हमने एक मेजर विक्रम सिंह को बनाया इसीलिए ये कहानी उस मेजर विक्रम सिंह की है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है विक्रम सिंह जो है आर्मी में थे और आ, हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि स्पेशल फोर्सेस से आर्मी के लोगों को अपॉइंट किया जाता है और उनको कभी कभी कवर्ट ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है सो जॉन वही प्ले कर रहे हैं एक रॉ एजेंट एक बोल सकते हैं अपॉइंटेड फ्रॉम द आर्मी एंड ये जिस तरह के ऑपरेशन वहां जाके करते हैं इट इज कंप्लीटली फिक्शनल बट आपको मैंने जैसे बोला है उस वक्त क्या-क्या हुआ था छोटे घटने के साथ रिबल फोर्सेस के सपोज के आइडियोलॉजीज हैं वो तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता बिकॉज़ आई कैन नॉट बी अनट्रू विद देयर आइडियोलॉजीज जो उनकी आइडियोलॉजी थी तो फिर वो अनरियल हो जाएगा पूरा सो so, उस रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल को ये कैसे डील करते हैं वो इस फिल्म के बारे आपकी फिल्म का इतना विवाद क्यों हो रहा है? मैं इस पर आऊंगा जॉन इब्राहिम और सुर्जीत सरकार अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं मद्रास कैफे इस फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है और बहुत जोर देकर दोनों ने यह कहा है कि फिल्म एक वर्क ऑफ फिक्शन है एक कहानी है एक कहानी की तरह इस फिल्म को देखिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी यह जानना जरूरी है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित जरूर है वो घटनाओं की झलक भी आपको दिखेगी किरदारों में भी झलक दिखेगी लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक कहानी है और कहानी को लेकर फिल्म बनाई गई है अब जॉन इतना हंगामा हो रहा है आप मुझे खुद बता रहे थे कि वहां पर किसी ने मांग की है तमिलनाडु में आज ही फिल्म बैन की जाए क्यों जी। मैं क्या किया? जी, actually, आज जब हम दिल्ली में लैंड हुए पता चला कि आ, वहाँ पे काफी जो थे, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने देखी, बैन की मांग की है, है, है। लेकिन जो हमारे बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, उन्होंने इस फिल्म को दिया है, तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दिस फिल्म एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन इट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे एक एजेंडा बना दे

पॉलिटिकल uh, पार्टी की तरह पचास वर्कर्स तो है नहीं कि जाके नारा नारा लगा दें और फिल्म बैन कर दें hmm. उनके लिए तो कर सकते हैं हमारा काम है हम फिल्म बनाना है hmm. हम फिल्म बना सकते हैं लेकिन अगर एक सेंसर बोर्ड जो इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा उसमें एक बॉडी है हम उसी के पास जा सकते हैं हम तो घर घर जाके दिखा नहीं सकते ना सो so, हम क्या लीगल सिस्टम के फेयर में बिलीव करेंगे या किसी कोई लाठी मार के बोलेंगे कि नहीं हम रिलीज नहीं कर सकते आपके फिल्म इसमें बिलीव करेंगे तो इस ये कंट्री कायदे से चलेगा या कानून से चले गए नो दर्द दिख रहा है आपकी बातों में नहीं बिकॉज यू नो आप नहीं। आप बनाते हैं एक फिल्म हम लोग बैठ के हम भी सेंसिटिव लोग हैं हम लोग कोई इनसेंसिटिव लोग नहीं, नहीं आपने जो बिल्कुल ठीक बात है कि हर किसी को अधिकार है आप एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं एक फिल्म बनी है एक वर्क ऑफ आर्ट सामने आया उसको पूरी पूरी आजादी मिली